हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। मजा आ गया दोस्तों, गो हराम खोर लाल सिंह वांश साला घर से बेघर हो गया। अब चलता हूं, आरती का खोज करूंगा। अगर आरती मिल जाएगी तो हम उसके साथ अपनी शादी अवश्य रचाएंगे। चलते हैं दोस्तों। अरे वाह शक्ति सिंह, नमस्ते नमस्ते शक्ति, नमस्ते नमस्ते। और कहिए राकेश, और सब बढ़िया है, अपना सुनाइए। वैसे मेरा भी ठीक है। अच्छा ये बताइए, तुमने शादी उदी बना लिया कि नहीं? अरे मेरे दोस्त, शादी के लिए तो मैं बहुत परेशान हूं। अब मेरी शादी हो ही नहीं रही है, बहुत परेशान हूं। शादी नहीं हो रही है? नहीं। अरे कहीं लड़की उड़की देखा कि नहीं भाई? अरे मेरे दोस्त, लड़की तो देखा था, लेकिन मैं उसे बहुत चाहता हूँ, लेकिन वो मुझसे देखकर बहुत दूर भागती है। मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझसे शादी करना नहीं चाहती। लेकिन वो लड़की कौन है, क्या नाम है भाई उसका? मेरे दोस्त, उसका नाम आरती है। आरती? तभी तो आरती मुझसे कह रही थी यार। लेकिन तुम कह रहे हो कि नहीं चाहती? हाँ वो मुझे नहीं चाहती है, लेकिन यार मेरे दोस्त, तुम आरती को कैसे जानते हो? जानता हूं। कहां मिल गई थी आरती तुम्हें? अरे भाई मिल गई थी, और जानता भी हूं, अच्छी तरह से जानता हूं यार मेरे दोस्त। और कहो तो मैं मिलवा भी सकता हूं। साथ में आई है? लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम? हाँ कौन सा काम है? काम? अरे बोलो मेरे यार, काम तो जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। अरे किसी का मर्डर करने को कहोगे तो मैं उस हरामखोर को गोली भी मार सकता हूँ। अगर तुम वो काम कर दोगे तो मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी शादी आरती से जरूर करवा दूंगा। कहिए मेरे दोस्त, आखिर वो कौन सा काम है? काम ये है कि जरा ये बताइए लिए राइटिंग किसकी है? राइटिंग? यार मेरे दोस्त, ये तो मेरे पल्ले नहीं पड़ा, ना मालूम किसकी राइटिंग है दोस्त, मैं नहीं जानता हूं। तो अगर ये तुम्हें नहीं मालूम है कि ये राइटिंग किसकी है, तब समझ लो कि फिर तुम आरती को भी नहीं पा सकते। आरती को नहीं पा सकते? ना यार मेरे दोस्त, मैं तो सोचता था। गौर से देखो। क्या बताऊं, राइटिंग तो हमारी ही है। चलो मेरी शादी की बात है, अगर मैं बता दूंगा हो सकता है कि मेरी शादी तेल लगा के हो जाए। भाई साहब ये राइटिंग किसी और की नहीं है यार। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। आरती से मिलना चाहते हो? हाँ कहाँ है? अरे बुलाओ मेरे दोस्त। अरे ओ आरती भाभी, हाँ अब तुम बताओ शक्ति सिंह कि ये राइटिंग किसकी है? अरे मेरे दोस्त, ये राइटिंग किसी और की नहीं है यार। फिर किसकी है भाई? ये राइटिंग मेरी है। तुम्हारी है? हाँ ये राइटिंग मेरी है यार, किसी और की नहीं है। ठीक है। हाँ, अब तो आरती से मेरी शादी हो जाएगी। हाँ अब तुम्हारी शादी हो जाएगी। हाँ। और मैं भी वादा किया था ना कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। हाँ, हाँ, किये थे। अब आरती तुम्हारे सामने आ गई है, और मैं मुझे कोर्ट जाना है। कोर्ट जाना है? हाँ मैं कोर्ट जा रहा हूँ। जाओ जाओ जाओ, जाओ। आरती से अपना बात कर लो। जाओ। अच्छा चलता हूँ दोस्त। नमस्ते, 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 नमस्ते। अरे
काफी दिनों से तड़प रहा था मेरी जान, आखिर आज तू मेरे सामने आ ही गई ना आरती। अरे मेरी जान आरती, हाय हाय क्या बात है, क्या मुस्कुराहट है आरती। अब तू मेरे साथ शादी करोगी ना? शादी तो करूंगी लेकिन ऐसे नहीं। ऐसे नहीं तब पैसे बोलो, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा मेरी जान। आखिर तुम मुझसे प्यार करते थे ना? करते लेकिन थे मैं नहीं। तुमसे नहीं करती थी। करता हूँ लेकिन अब मैं भी तुमसे प्यार करूंगी। आइए मेरी जान, दूर से, दूर से जो कुछ भी होगा दूर से, अभी नहीं। दूर से क्यों भाई साहब, गंगा कैसेट वाले जब शादी हो रही है तो अभी दूर से क्या मतलब निकलेगा, बोलो मेरी जान। मेरी बात सुनो, ये मेरी काठी बाड़ी देखकर तुम्हारा मन डोल गया ना? यही तुम्हारी काठी बाड़ी और तुम्हारी पतली कमर कि देख कर मेरा खिलता हुस्नों सबा देख।
अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। समझ रही हूँ। बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा। अरे समझ रही हूँ लेकिन अभी नहीं। क्या लोग अगर जान जाएंगे तो हमारे तुम्हारे रिश्ते को नाजायज समझेंगे। इसलिए मैं जायज बनाने के लिए तुम्हें कह रही हूँ कि मेरे साथ चलो कोर्ट में। कोर्ट में? कोर्ट में चलो। मैं समझ गया। हाँ वहाँ पे कोर्ट मैरिज कर। मैं तुम्हारी बात को समझ गया। अगर ऐसे शादी करूँगा तो हो सकता है कहीं तुम मुझे धोखा दे सकती हो। हाँ। और मैं तुझे भी दे सकता हूँ। इसलिए कोर्ट में हो जाएगी, तेल लगा के तो मामला बन जाएगा। चलो मेरी जान। चलो आओ मेरे साथ। अरे वर्मा जी बोलिए सर, वो मुलजिम कहाँ गया? चौकीदार लेके आ रहा है। देखिए वर्मा जी। सर जय हिंद। जय हिंद जय हिंद सर। मुलजिम आ गई साली उसाला। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या हुआ सर? सर क्या है साहेब? देखिए ये साहब, मैं इसको यहाँ से ले गया था कोर्ट। हाँ। वहाँ इसके तरफ से कोई वकील जमानत के लिए नहीं तैयार हुआ। ओह। और मजबूरन जज साहब को अडर हुआ इसको फांसी का आदेश हो गया। जी बहुत अच्छी बात। तो एक फांसी कई बजे है साहेब? क्या बताऊं, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये निर्दोष है। साहेब आपका लागत हो निर्दोष हो चाहे जैसे हो, लेकिन अब मुलजिम है तो मुलजिम रहबे करे। आप लोग बतावा भैया हरा, अगर मुलजिम है चोर है चोरे कहा जाए, सहकार थोड़को न कहा जाए। तो सही बात है साहेब। आप फांसी लगवाओ साहेब, हुकुम दे और करे बाद नंबर बोले साहेब, जो होगा सो देखा जाएगा। क्या किया जाए, ये मेरी ड्यूटी है। हाँ साहब। अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो मेरी ड्यूटी चली जाती है। साहब वर्मा जी बोलिए सर। सबसे पहले इसके हाथ की हथकड़ी खोलिए। अच्छा सर। अरे वर्मा जी हटिए जल्दी इसको खोल। अबे खराब सारे सर। क्या बे चल हाथ इधर कर साला। पुलिस थाने में आ साला, साले को चोरी करते हुए शर्म मिले ही आई। अबे साले अब तेरी फांसी होगी साले, मर जाएगा तू तब समझ में आएगा। चौकीदार खुल गई। वर्मा जी बोलिए सर। इसके गले में फांसी लगाइए। अच्छा सर। लाओ 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 पकड़ो चौकीदार। हाँ हाँ खोलो तो। रुक जाओ साहेब। क्या साहेब? वैसे तो मैं कई दफा चौकीदारी करा, कई थाने में गया, लेकिन साहेब जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ यही देखा साहब कि मुलजिम की जब फांसी होने लगती है तो मुलजिम की आखिरी इच्छा पूछी जाती है। सही कह रहे हो चौकीदार। साहब आपका आदेश क्या है चौकीदार? हाँ साहब। आप खुद ही पूछ सकते हो। ठीक है साहब। इधर हो ये बताओ लाल सिंह, कुछ खाना चाहते हो? नहीं साहब। कुछ पीना चाहते हो? नहीं साहब। किसी से मिलना चाहते हो? किससे साहब? हाँ हाँ अगर आप मिलवाना ही चाहते। बोलो बोलो। अगर आप मिलवाना ही चाहते तो मैं मरने से पहले अपने माँ से एक बार मिलना चाहता हूँ साहब। अगर आप मिलवा देंगे तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा साहब, जिंदगी भर नहीं। साहब। हाँ चौकीदार। ये मुलजिम कह रहा है मेरी आखिरी इच्छा ही है कि मेरी माँ से मिलवा दिया जाए। चौकीदार। हाँ साहब। आप ही सोचिए। हाँ साहब। मैं इसकी माँ को कहाँ तक ढूंढूंगा? साहब आप ढूंढने की बात कर रहे हैं साहब, इसके घर पे वर्मा जी गए थे। जी वर्मा जी आए तो हमसे बात कर रहे थे। वर्मा जी बोले कि इसके घर में गया था, इसके घर में कोई नहीं, इसके घर में ताला लगा हुआ है।
साहब अब बताइए क्या कहूँ इसको। देखिए लाल सिंह, सुनो लाल सिंह, मैं तुम्हारी माँ से नहीं मिला सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ को कहाँ हेरूंगा। तुम्हारे घर में ताला लगा है, तुम्हारी अब फांसी होगी साहब। तुरंत लगाइए, नंबर बोलिए साहब। ठीक है, चलिए वर्मा जी, जैसे साहब एक बोलेंगे दो, तीसरे पे एकदम खींच देना, पहले पे रेडी दूसरे पे टाइट। चलिए साहब, तैयार हो गए हो? साहब नंबर बोला है, नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो। साहब साहब फांसी रोक दो, अभी कोई आ रहा है साहब। हाँ चौकीदार, वर्मा जी। मेरे बेटा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहां। मेरे बेटा मेरे आपसे ये पूछना चाहती हूं, क्या आपके अदालत में लाल सिंह नाम का कोई मुलजिम आया है, उसकी फांसी हो रही साहब, मैंने सुनी हूं, क्या ये बात सत्य है? ये बात सत्य है, मगर तुम कौन हो? भिखारन हूं साहब, ऐसे जा रही थी, ये चीख पुकार सुनकर मैं चली आई साहब, लेकिन उस मुलजिम से एक बार उसका पता तो बता दीजिए साहब, मैं सुनना चाहती हूँ। अरे तुम कौन हो उसकी, जो कि उस मुलजिम से मिलना चाहती हो? मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगी साहब, बस आपसे यह निवेदन है साहब, उसका पता बता दीजिए, उसके माँ का नाम और उसके गांव का नाम। देखिए उदयपुर का रहने वाला है, उसका नाम लाल सिंह है। मिला सकते हैं साहब कि नहीं? आप मिलके क्या करोगी? उससे पूछ लीजिए उसकी माँ का नाम क्या है। ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं जरूर पूछूंगा। चौकीदार लाल सिंह से पूछिए कि उसके माँ का नाम क्या है। ठीक है ठीक है। ओ लाल सिंह, अरे तुम्हारी माँ का नाम क्या है? साहब मेरी माँ का नाम श्रीमती पार्वती देवी है साहब। तुम्हारी माँ का नाम पार्वती देवी, शर्म हो जाओ। साहब साहब इसकी माँ का नाम पार्वती है। ए बुढ़िया, क्या है? ओ बोल रहा है कि मेरी माँ का नाम पार्वती है। साहब मेरा ही नाम। एक बार साहब माँ और बेटे को गले से मिला दीजिए साहब, बड़ी कृपा होगी साहब, आपका परिवार हमेशा सुखी रहेगा साहब। मैं तेरी सब दर्द जानता हूँ, मगर क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। वर्मा जी, चौकीदार,
इसका फांसी का फंदा निकाल कर और इसके माँ से मिलवाइए। अपने माँ से मिल लो। मुन्ना मुन्ना, तू बनारस में पढ़ रहा था, उसके बाद मैं तुझसे जुदा हो गई, आज माँ से मिला तो किस मोड़ पे मिला मुन्ना? अरे तो हो रहा पे बसल बापर नवा हो, तो हो रहा पे बसल बापरनवा हो, जहनवा हमार बाट तो होते। छुई दे तू अपन चरणवा हो, छुई दे तू अपन चरणवा हो, जहनवा हमार बाट तो। ममता के तू ही हक जनवा हो, तू ही हक जनवा हो, माइक तू ही यार बनवा हो, जानवा हमार बात तो हो। तू ही है सूरज हवा, तू ही हवा चंदवा, तोरा के लागे ला उमरिया हो, तोरा के लागे ला उमरिया हो, जहनवा हमार बाट तो से। जहनवा हमार बाट तो होते। चौकीदार, इसका समय खत्म हो गया मिलने का, इसको फांसी पर चढ़ाइए। साहब, मैं मानती हूँ मेरे बेटा मुजरिम है साहब, आपके कानून में है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे की फांसी रोक दी जाए साहब, बल्कि बेटे के स्थान पे
माँ की फांसी हो जाए साहब, क्योंकि एक माँ अपनी आंखों के सामने जवान बेटे की फांसी नहीं देख सकती। देखिए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अरे मुलजिम दो है तो उसकी फांसी होगी, आपकी मैं कैसे फांसी चढ़ा सकता हूँ। अरे माँ जी चौकीदार आप रोइए मत, माँ जी हम लोग पुलिस वाले जरूर हैं, लेकिन उसमें के पुलिस वाले नहीं हैं कि गुनाहगार है उसको छोड़ देंगे, निर्दोष है उसकी फांसी करवा देंगे। देखिए माँ जी आप अपने कलेजे पे पत्थर रखिए, माँ जी उस भगवान पे भरोसा रखिए, यदि आपका बेटा निर्दोष होगा माँ जी तो जरूर बच जाएगा माँ जी, अगर गुनाहगार होगा तो फांसी के फंदे से कभी नहीं बच सकता। कानून को चाहिए तो साबूत साबूत साबूत, आपके पास कोई साबूत है? नहीं साहब, लेकिन एक ही इकलौता मेरा बेटा है, वो कितना हजार माल मेरे दिल में था साहब। माँ जी आप बैठिए, कानून को अपना काम करने दीजिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए, फांसी का समय हो चुका है, आप वैसे भी आके कानून का फोकन में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। चलिए आप साइड में, ठीक है तुरंत फांसी लगाइए। चलिए साइड में। चोरी हो गई घर में? हाँ, 9 लाख की। 9 लाख की? हाँ। ले जी भाई साहब जल्दी कराइए, भाई साहब जल्दी कराइए, जल्दी कराइए, चिंता मत करो, अगर हो सके तो अपने भाई को माफ कर देना मुन्ना, माफ कर देना।